दोस्तों आज हम बात करते हैं जैसे खाने में नमक, जैसे हमारे डीजे में ट्विटर। छोटी सी बात है दोस्तों, और वीडियो पूरा देखने में बहुत मजा आएगा। और दोस्तों मैं सबको बताऊंगा, इतनी बड़ी जानकारी मिलेगी शायद ही आपको कोई नहीं देगा। दोस्तों जब मैंने बात करी, जैसे खाना हम लोग बनाते हैं या खाना खाते हैं उसमें नमक पड़ता है, बिना नमक का टेस्ट नहीं मिलता। तो ऐसे जब हम लोग डीजे बजाते हैं, हाँ हम अब डीजे की बात कर रहा हूँ, आप डीजे या बैंड की दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप डीजे बजाते हैं तो उसमें दोस्तों देखा होगा आप लोगों ने कि डीजे बजाने में हम लोग ट्विटर जरूर लगाते हैं, क्योंकि ट्विटर नहीं लगता तो मज़ा नहीं आता। अगर आपके पास डीजे होगा, ट्विटर के अगर उड़ गया है कहेंगे आप बेकार है। अगर आपको ट्विटर बज रहा है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा आधा काम जो होता है ना वो ट्विटर करता है। यानी मैं हाइस की बात करता हूँ, चाहे वो 450 हो, चाहे 750 हो, चाहे 518 हो। तो आज बात करता हूँ मैं आपकी ट्विटर की। हम हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं, हम ना कोई इंग्लिश भाषा में बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो पड़े हैं, सब लोग अच्छा वीडियो देते हैं, मैं किसी भी वीडियो की खराब नहीं कहूँगा, क्योंकि वो लोगों के इंग्लिश वर्ड में बात करते हैं। मैं अपना गांव के तरीके से बात करके आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि जो लोगों को जानकारी है वो वीडियो छोड़कर चले जाएँ, जिस भाई को वीडियो की जानकारी नहीं ना भी ट्विटर के बारे में, वो वीडियो पूरा देखें और लाल बटन जरूर दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। मैं डीजे मर्जी दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं बात करता हूँ ट्विटर की। अगर आप लोग ट्विटर से परेशान हो गए हैं, मैं जानता हूँ कि आप ट्विटर से परेशान हैं, बताएंगे नहीं आप, मगर ट्विटर से परेशान हैं कम से कम 80%। मैं भी, मैंने 2005 में डीजे खोला था, मैंने बजाया, मुझे भी जानकारी नहीं थी, मैं ट्विटर लगाता था और मैंने उस पर प्लेट लगाता था, मैंने काफ़ी प्लेट यूज करी, मैंने 300 रुपये की, 200 रुपये की, 500 रुपये की, 600 रुपये की, 700 रुपये की, मगर अंत में क्या होता है कि आज के वक्त में कुछ ज़्यादा ही प्लेट मेरी जलती हैं। पहले वक्त कम जलती थी, आज जो है कुछ ज़्यादा ही जल रही है। रीज़न इसका होता है कि सॉन्ग्स की बात होती है। पहले हम लोग सादे गाने बजाते थे, बताएंगे नहीं, अभी मन में सोचिए, पहले DVD में लगाते थे हम लोग, सादे गाने बजाते थे और आराम से बजा के चले आते थे, हमारा कोई नुकसान नहीं होता था। मगर अब इंटरनेट में एक से एक वाइब्रेट चैलेंज बीट आप लोग बजाते हैं। नेट में यूट्यूब में सर्च किया, हमने कोई गाना आया, मगर उसमें भी वाइब्रेट, क्योंकि मैं भी मिक्सिंग करता था, मैं भी डीजे मर्जी हूँ। अगर गूगल में सर्च करोगे तो आज भी 10,000 फाइल आपको मिलेंगी, क्योंकि मैं मिक्सिंग का ही काम करता था, पहले डीजे गाना बनाता था, मगर तब इतना वाइब्रेंट नहीं था, तब इतने बेसें नहीं थी, इतना ज़्यादा वाटेज स्पीकर नहीं थे, ना इतने वाटेज एम्पलीफायर यूज होती थी, आपको पता होगा पुराने होंगे। तो रीज़न यही है दोस्तों, मैं बताना कोशिश यही कर रहा हूँ कि अगर आप हाई चला रहे हैं, इस समय हम चलाएं तो हमारा ना जले, इसका रीज़न होता है, और हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर दोस्तों आप लोग बक्सा बनाते हैं, अगर आप कैबिनेट बनाते हैं, साउंड बनाते हैं, आपके पास होंगे भी दोस्तों, आप क्या करिए, कुछ नहीं करना उसके, तो अगर आप दो स्पीकर लगाते हैं तो एक जो होती है 320 रुपये की आती है, लोहे की एक आती है जो ट्विटर की कैबिनेट होती है, ट्विटर जो इसमें कसते हैं हम लोग, वो आप प्लास्टिक का मत लें, लोहे का लें, थोड़ा ज़्यादा अच्छा बचता है, वो डबल वाली लें, उसके अंदर डबल ट्विटर लगा दें, चाहे 450 लगा दें, मामूली 500-550 रुपये का आती है, इस समय थोड़ा महंगा है मुझे पता है, मगर आउट सीजन में तो सस्ता होता है, मगर ये मत देखिए 50 महंगा रहता है, हर आदमी कमाने के लिए बैठा है सीजन में, तो दोस्तों उसको ज़रूर खरीदें आप। और खरीदने के बाद दो ट्विटर लगाएं, उसको सीरीज में डाल दें, जैसे मेरे इशारे में आप देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके बाद कुछ ना करें, मात्र 25 रुपये का आप पंखे वाला ये चीज़ ले आएँ, 2.5 एम्पीयर का होता है, आप आसानी से अर्जी का मिल जाएगा, सिर्फ ओरिजिनल खरीदे, देख के चाहे आपको 2 रुपये ज़्यादा लगे, सोच लो हमने नशा कर लिया, मसाला खा लिया, आप अच्छा खरीदे, चाहे वो 30 का दे, वो आप खरीद के इसको क्या करना है, सिर्फ सीरीज में डाल देना है, इसका 2 तार बाहर निकाल लेना है, जब बाहर निकाल लोगे आप तो इसको कुछ नहीं करना है आपको, केवल इसको सीरीज में आप बांध के, जैसे आपने 3 कैबिनेट लगाई तो 3 कैबिनेट का 2-3 तार आपको निकाल लेना है, 2 सीरीज 2-2 सीरीज करके, उसके बाद बाहर निकाल लेना। आपने एक मॉसफेट यूज करी या आप कोई मशीन यूज करी, छोटी मशीन कोई भी आप एम्पलीफायर ले लीजिए। अब आप कहेंगे मेरे पास तो छोटी एम्पलीफायर है नहीं, 20 वाट भी ले लो, 125 वाट भी ले लो, अगर आपका वो भी कुछ नहीं ना तो स्टैंडर्ड की 500 वाट ले लो। अब कहेंगे 500 वाट हमको ओरिजिनल नहीं मिल रही, कहाँ मिलेगी, कमेंट में आप लिखना चालू करोगे, हमें दोस्तों भाई हमें हाइस बजाना है, थोड़ी लोकल भी होगी, सस्ती होगी तो चलता है भाई, कैबिनेट में हाइस ही बजाना हमको, बॉक्सा नहीं बजाना, तो ज़्यादा लोटेड नहीं होते हो, ज़्यादा अब इस समय बॉक्से भी नहीं लग के बज रहे हैं, तो दोस्तों उसको बजा सकते हैं अब उसको हम लोग अपना कैबिनेट बजा के उसको हारन मोड में लगा के बजाइए, यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही बेस्ट बजेगा, मेरा विश्वास मानिए, क्योंकि कैबिनेट में हम लोग जितना भी वाइब्रेट बजाएं, जितना भी वाइब्रेट बजाएंगे वो सिर्फ स्पीकर में ही लोड पड़ेगा, और जो ट्विटर होगा वो अपने हिसाब से ट्विटर की आवाज़ खोलिए, ज़्यादा मत खोलिए, अपने हिसाब से खोलिए, और बेस्ट बहुत ही बेस्ट बजेगा। मैं ऐसे बजाता हूँ, मैं नहीं परेशान, मेरा 2-2 साल हो जाता है, मेरे नहीं जलता कभी भी। अगर दोस्तों कहेंगे कि ये सब फेक है वीडियो,
देखो बना रहा है ये पंखे वाला कैसे निकालेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कुछ नहीं ना, 110 रुपये की कॉइल मिलती है, लगा के चेक कर लीजिए, आप टेस्टिंग कर लीजिए, बज जाए तो बजाना। तो दोस्तों ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आपको मैं जानकारी देता हूँ, वीडियो तो बहुत सारी पड़ी होंगी, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आती है तो आपको लाइक शेयर कर दीजिए और लाल बटन जरूर दबा दीजिए, घंटा तो दबा ही दीजिए। तब दोस्तों जो वीडियो लेट आया इसका रीजन यह है कि थोड़ा मैं बेस्ट था, क्योंकि मेरा रोल लाइट का काम है, जैसे आप लोग मेरे देखते हैं रोल लाइट काम है, मैं ऑलरेडी मेरे वीडियो पड़े होंगे रोल लाइट के, तो थोड़ा काम ज़्यादा था मेरे पास कुछ भाइयों को, तो रोल लाइट मुझे बना के देना थी, इस वजह से रोल लाइट बनाने की वजह से मैं वीडियो लेट हो गया, क्योंकि रात में और नाइट में, क्योंकि मेरा अगला वीडियो आपने देखा भी होगा, मैं ईद की रोज भी काम चालू था, जो लोग काम ईद के लिए कर रहे थे, छाते बना रहे थे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो अगले वीडियो फिर इंतजार कीजिए, जब तक मैं फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद जय।